हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अवर चैनल प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिल तो आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम जो है आपकी उसकी जो एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट थ्री को आज हम देखेंगे इससे पहले हमने वन पॉइंट वन और वन पॉइंट टू तक का जो वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया तो आप हमारी प्ले में जा देख सकते हैं क्लास नाइन्थ मैथ के नाम से आपका प्ले लिस्ट वहाँ पे सेव है ओके तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर वन और उसमें जो भी आपके दो डेफिनेशन हैं जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझेंगे बेसिक को किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको या फिर वो चैप्टर हो या फिर आपकी एक्सरसाइज है हम आपको पहले बेसिक बताते हैं ठीक है तो चलिए तो चैप्टर जो है इसमें बात होगी रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेंसंस की ठीक है तो टर्मिनेटिंग डेसीमल्स हमारे क्या होते हैं तो आप तो सिंपल वर्ड में मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप अपनी एन बुक में जो आपका डेफिनेशन है आप उसको भी लर्न कर सकते हो बट बिलीव करिए आपको जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे जो मटेरियल है वो आपको बेहतर समझ आएगा ठीक है ए डेसिमल नंबर हैविंग एन एंड मतलब एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाता है मतलब वो इनफाइनाइट तक नहीं जाता मतलब किसी भी नंबर का हम डिवाइड करते हैं वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए जैसे हमने वन बाई टू का अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव आएगा फ़ाइव के आगे कुछ और नहीं आएगा मतलब ये हमारा स्टॉप हो गया डिवाइड करने के बाद मतलब ऐसे डेसिमल नंबर जिनके पीछे फाइनाइट स्टेप हमारे होते हैं जब आप वन बाई एट को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ज़ीरो पॉइंट वन टू फाइव तो ये भी डिवाइड जो है कम्प्लीटली हो जाएगा एनसिमलर सेवन अपॉइंट एट को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव आपका आएगा यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर दे हैव द रिमाइंडर बिकम्स जीरो जिनका जो रिमाइंडर है वो आपका ज़ीरो आता है एग्जाम्पल के लिए एक सॉल्व हम करके आपको दिखा देते हैं ठीक है जैसे कि आपका यहाँ पे वन बाई टू है आपका नंबर वन बाई टू है अब अब क्या करना है आपको टू से डिवाइड करना है वन को ठीक है एंड आई होप आपको सबको डेसिमल सॉल्व करने तो आते ही होंगे और आने भी चाहिए तो टू टू का डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा उसके लिए हम जीरो लगाएंगे राइट अब यहाँ पे हम डेसिमल पुट करेंगे उससे एक जीरो यहाँ आ जाता है हमारा एंड टू फाइव ज टेन आपका ये यहाँ पे कंप्लीटली कट हो गया अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा ये तो कम्पलीटली कट हो गया मतलब ऐसे नंबर्स जो हमारे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं डेसिमल के बाद साथ इसके आगे और स्टेप नहीं आने वाले वो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं आपकी एक्सरसाइज में भी यही आपसे पूछा गया है तो उनको भी डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं जस्ट इसका अपोजिट वो नंबर जो कम्प्लीटली एंड नहीं होता उनका तो यहाँ लिखा हुआ है ए डेसीमल नंबर हैविंग एन एंड तो टर्मिनेटिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है डेसिमल नंबर विदाउट एन एंड टर्म वो कभी फिनिश ही नहीं होता डिवाइड होता ही चलता है होता ही चलता है होता ही चलता है तो हम बोल सकते रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो उनका जो रिमाइंडर कभी भी आपका जीरो नहीं आएगा ठीक है एग्जाम्पल टेन बाई थ्री जब आप टेन को थ्री से डिवाइड करेंगे तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं तो आपका है टेन बाई थ्री एग्जाम्पल के लिए जब आप थ्री से इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट देखिए तो थ्री बाई टेन थ्री थ्रीज़ा आपका कितना होता है नाइन तो यहाँ हमारा नाइन आ गया ठीक है माइनस करते हैं डिवाइड में तो ये वन आ गया अब हम पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो ले लिया थ्री थ्री इजा नाइन अब यहाँ से हमने नोटिस किया जहाँ से हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया था वन से और वन हमारा आगे आ तक, आता ही जा रहा है तो दैट मीन्स ये नंबर आगे तक ऐसे ही आपका चलता जाएगा इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा यानी कि थ्री पॉइंट थ्री 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 ये एंड सो आगे तक जाएगी वैल्यू तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ओके उम्मीद है आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल एलेवन अपॉइट नाइन है इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट टू 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 करके ऐसे मिलता रहेगा अब चलिए जैसे हमारे यहाँ पे नंबर है थ्री पॉइंट थ्री 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 डेसीमल के बाद जो नंबर लगातार रिपीट होता है उस नंबर के ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं जैसे कि थ्री पॉइंट डेसीमल के बाद जो थ्री था आपका लगातार आपका रिपीट हो रहा था तो हमने थ्री को यहाँ से पिक किया थ्री पॉइंट थ्री हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे हम और भी एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं ये बार का साइन कैसे हम लिखते हैं जैसे अगर कोई भी एग्जाम्पल लो फोर पॉइंट थर्टी टू थर्टी टू और ये थर्टी टू आपने देखा यहाँ पे जो थर्टी टू थर्टी टू कई बार यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं फोर पॉइंट थर्टी टू का ऊपर हम बार का साइन लगा देंगे जितने नंबर हमारा रिपीट हो रहा होता है उस नंबर के ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं एक और एग्जाम्पल देखिए जैसे हम लिखते फाइव पॉइंट सेवन ट्वेल्व और ये ट्वेल्व और ये ट्वेल्व डॉट 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 आगे तक ये नंबर ऐसे ही आपका चलता रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइव पॉइंट सेवन और जो ट्वेल्व जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने बार का साइन लगा दिया उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा हम बार का साइन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं मतलब वो नंबर जो रिपीट हो रहा होता है ठीक है अब इसी साइन का एक मतलब ये भी हमारी एक्सरसाइज में है देखिए उसका जो यूज़ करेंगे कहीं भी आपको जैसे जीरो पॉइंट थ्री का बार दे रखा है ठीक है अब इसका मीन्स पता क्या है अब ये जो थ्री है वो कई बार रिपीट हो रहा है ओके ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री डॉट 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 ऐसे करके ठीक है ये भी अपने माइंड में बिठा लीजिएगा जैसे हमने यहाँ पे कलेक्ट करके लिखा था इसको ओपन कुछ इस तरीके से करेंगे एक और जैसे वन पॉइंट टू सेवन सेवन इसके ऊपर हमने वार का साइन लगा दिया 77 सेवन के ऊपर तो इसको ओपन कैसे करेंगे हम लोग ये हो जाएगा वन पॉइंट टू जिसके ऊपर आपका वार का साइन है सिर्फ वही नंबर आपके रिपीट होने वाले हैं सेवनटी सेवन सेवनटी सेवन सेवनटी सेवन डॉट 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 तो कलेक्ट करके भी हम बार का साइन लगा सकते हैं अगर बार का साइन है तो उसको इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं राइट right? तो ये एक्सरसाइज में आपके एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट डिपेंड है ओके okay? तो अगर आपसे कोई पूछे ये भी हम बता देते हैं नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल का आप एग्जाम्पल दे दीजिए तो आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप ये लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन जीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो डॉट 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 ऐसे करके आगे तक इन्फ्रानेट तक नंबर हमारे जा रहे होते हैं ओके okay, तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं चीजें और बेहतर वहां से आपको समझ आने वाली हैं तो ये रही आपकी एक्सरसाइज चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो अदरवाइज मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया राइट kind of है फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से वाट काइंड ऑफ डेसीमल एक्सपेंसन ईच हैज है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये आपको यहाँ पे बताने हैं ठीक है थीके? तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कैसे सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन है थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत शांत यानी कि रुक जाए जो डेसीमल के बाद जाके है ना स्टॉप हो जाए वो टर्मिनेटिंग हो गया अब देखो थर्टी सिक्स अपन हंड्रेड है थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड को तो उम्मीद है आपको डेसीमल तो पॉइंट आपको लगाना आता होगा जब हंड्रेड हो टेन हो टेन थाउजेंड हो तो यहाँ पे दो ज़ीरो आ रहे हैं सिर्फ दो ज़ीरो कि लास्ट से दो डिज़िट बाद आपको डेसिमल पुट कर देना है ज़ीरो पॉइंट थर्टी सिक्स अदरवाइज आप यहाँ पे डिवाइड भी आप कर सकते हैं तो भी आपका ज़ीरो पॉइंट थर्टी सिक्स मिलेगा अब आपने यहाँ पे देखा कि ये नंबर तो मेरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया डेसीमल के बाद सिर्फ थर्टी सिक्स ही आएगा थ्री और सिक्स इसके बाद और कोई भी डिजिट नहीं आने वाला तो दैट मीन्स ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग ओके okay? तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आप लिख लेना है, ठीक है टर्मिनेटिंग हो गया सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन है वन अपॉन इलेवन अब वन अपॉन इलेवन है पहले आप इसको आप डिवाइड करिए तो देखिए अब हम इनको डिवाइड करेंगे आपका नंबर है वन अपॉन इलेवन यानी कि इलेवन से आपको वन डिवाइड करना है ठीक है नहीं जाएगा उसके लिए हमने जीरो लगा दिया पॉइंट लगा दिया तो यहां हमने एक जीरो ले लिया फिर से नहीं जाएगा उसके लिए भी ज़ीरो आएगा अब ये ठीक है ना अब ये हो गया आपका हंड्रेड अब ये कितना हो गया आपका हंड्रेड हो गया अब डिवाइड करिए इलेवन से एलेवन नाइनज़ा नाइन्टी नाइन आपका होता है इलेवन नाइनजा नाइन्टी नाइन जब आप माइनस करोगे तो वन आपको देखने को मिलेगा हमने वन से स्टार्ट किया था फिर से वन आ गया दैट मीन्स अब यहाँ फिर से हम ज़ीरो लिखेंगे नहीं जाएगा फिर उसके लिए ज़ीरो फिर एक और ज़ीरो ले लिया क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है फिर नाइनज़ा तो अब ज़्यादा आगे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती आपको जब आप जिस नंबर से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना डिवीज़न को आपने वन से किया था वन आपको यहीं मिल गया था आगे करने की ज़रूरत नहीं है तो ये एंड सो ऑन आगे तक ऐसे ही चलता चला जाना है ठीक है ना तो अब हमने क्या देखा अब वन अपॉन एलेवन जो है वो हमारा आ रहा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन ये वाला पार्ट ऐसे ही चलता रहेगा ना ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो नाइन सो इसको हम कलेक्ट करके क्या लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन के ऊपर आप एक बार का साइन लगा दीजिए इसका मतलब कि ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है आगे तक चलता हुआ चला जा रहा है तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कंप्लीट आप लिख लीजिएगा ओके नाउ उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी से इसको आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका फोर होल वन बाई एट फोर होल वन एट को लिख सकते हैं एट फोर जब थर्टी टू थर्टी टू और वन आपका हो गया थर्टी थ्री थर्टी थ्री अपॉन एट हो गया अब आपको एट से डिवाइड करना है थर्टी थ्री को ओके तो चलिए अब एट से आपको डिवाइड करना है किस थर्टी थ्री को अब आपका एट फोर जटी थ्री थर्टी टू होता है ओके okay, माइनस किया वन बचा पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो ले लिया एट टू ज़ा आपका हो गया सॉरी ऐट वन जा एट ये भी आपका ये जाने वाला है राइट एट वन ज़ा एट हो गए आपका बचा यहाँ पे टू डेसिमल लगा हुआ है तो ज़ीरो ले लीजिए एट टू जा आपका हो गया सिक्सटीन कितना हो गया एट टू ज़ा आपका सिक्सटीन हो गया जब आप इसको माइनस करेंगे तो फोर मिलेगा डेसिमल लगा हुआ है तो ज़ीरो ले लिया एंड एट फाइव ज़ा आपका फोर्टी होता है तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया दैट मीनस ये तो हमारा टर्मिनेटिंग निकल के आपका आ गया अब आप यहां पे वैल्यू लिख दीजिएगा 4.125 तो ये हमारा जो है वो टर्मिनेटिंग वाला टर्म आ गया ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया ओके okay, सिमिलर ऐसी फोर्थ पार्ट किसका करेंगे तो देखिए फोर्थ वाले का मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है अब सिंपल से डिवाइड है ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं एंड आई होप आपको सबको डिवाइड करना आता होगा फ्रैक्शन जो हमारा था थ्री अपॉन थर्टी था तो मैंने यहाँ पे थ्री लिखा यहाँ मैंने थ्री लिखा ये थर्टीन से थ्री में डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा उसके लिए ज़ीरो आ गया पॉइंट लगा दे जीरो ले लिया फिर थर्टीन से हमने डिवाइड करना जब स्टार्ट किया तो हमने देखा जब आगे तक डिवाइड करते हुए हम जाएंगे तो थ्री हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है इस वाले टर्म पे आके कर थ्री रिपीट हो रहा है थ्री से ही हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था थ्री से ही यहाँ वापस थ्री आ गया तो फिर जीरो लगाएंगे फिर यही इक्वेशन वापस से चलती हुई चली आएंगी यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इन शॉर्ट जो हमने डिवाइड किया था वो वैल्यू क्या आ रही है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन नाइन के बाद वापस आपको थ्री रिमाइंडर मिला ठीक है फिर से थर्टी बनेगा फिर ऐसे ही होता चला जाएगा डिवाइड ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब ये नंबर पूरा फिर से रिपीट होगा जो नंबर रिपीट होते चले जाते हैं उनके ऊपर हम बार का साइन लगाते हैं यानी कि ये जो नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे हो गया उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा ठीक है तो चलिए इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं फिफ्थ पार्ट आपका है टू अपॉन इलेवन इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आपका टू अपॉन इलेवन यानी कि इलेवन से आपको टू को डिवाइड करना है नहीं जाएगा उसके लिए ज़ीरो आएगा पॉइंट लगाइए ज़ीरो ले लीए इलेवन बन इलेवन आपका यहाँ हो गया राइट और टेन में से वन गया नाइन बचा ओके पॉइंट लगा हुआ है आपका तो आप ज़ीरो ले लीजिए अब ये हो गया एट टाइम जाएगा एट्टी एट अब यहाँ पे आपका आ गया टू तो टू से स्टार्ट किया था वापस टू आ गया ट्वेंटी बनेगा दैट मीन्स फिर से आपको आगे देखने को एटीन एट्टीन ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है चलता हुआ चला जाएगा दैट मीन्स ये नंबर भी आपका अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ज़ीरो पॉइंट एटीन वन एट वन एट वन एट ओके तो इसको हम कलेक्ट करके हम क्या लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट वन एट इसके ऊपर वार का साइन अब ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो गया क्या हो गया ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो गया अब बचा लास्ट वाला क्वेश्चन अब आपको 400 से 329 को डिवाइड करना है और देखना है कि कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो टर्मिनेटिंग अगर नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो चलिए देखते हैं 329 को हमें डिवाइड करना है किससे 400 से फोर हंड्रेड से डिवाइड करते हैं चलिए नहीं जाएगा उसके लिए तो पहले ज़ीरो आएगा पॉइंट लगाइए हमने ज़ीरो लगा दिया ठीक है फोर एट आपका थर्टी टू होता है दैट मीन्स थर्टी टू हंड्रेड यहाँ आ जाएगा माइनस करिए ज़ीरो नाइन ओके okay, पॉइंट लगा हुआ है ज़ीरो ले लिया फिर टू जा जाएगा ये हो गया आपका एट हंड्रेड ओके ज़ीरो ज़ीरो वन पॉइंट लगा हुआ जीरो लीजिए फिर से आपका ये अभी टू टाइम्स आएगा एट हंड्रेड ओके okay, जब आप इसको आप माइनस करोगे जीरो जीरो टू पॉइंट लगा हुआ जीरो लीजिए अब ये फाइव टाइम कंप्लीटली डिविजिबल हो गया फोर हंड्रेड फाइव से टू थाउजेंड आपके होते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हमारा हो गया अब हम आंसर आसानी से लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट एट टू टू फाइव यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है दैट मीन्स ये टर्म जो हमारा है वो टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग उम्मीद है आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का जो है वो आपको समझ आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर की ओर तो ये रहा आपका बोला गया है, you know, बार. का आपको दे रखा है कैन यू प्रिडिक्ट वॉट दू अपने फाइव अपॉन सेवन एंड सिक्स अपॉन सेवन आर विदाउट द एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन बिना डिवाइड किए हुए आपको इन सब की वैल्यू बतानी है वन बाई सेवन का वैल्यू आपको दे रखा है एंड इफ सो हाउ किस तरीके से होगा ये आपको बताना है तो चलिए सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में आपको प्यारे बच्चों गिवन है वैल्यू किसका वन बाई सेवन का वैल्यू आपको दे रखा है वन बाई सेवन का वन बाई सेवन इजिकल टू जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन आपको ये दे रखा है यानी कि इसके बाद भी ये नंबर कम्प्लीटली ये रिपीट हो रहा होगा तभी इसके ऊपर ये वार का साइन उन्होंने लगा के दे रखा है आपसे वैल्यू पूछा गया है किसका आपसे वैल्यू पूछा गया है टू अपॉइंट सेवन थ्री अपॉइंट सेवन अच्छा ज़रा एक बात बताइएगा आप टू अपॉइंट सेवन को हम ये नहीं लिख सकते टू मल्टीप्लाई वन सेवन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस से हमें टू अपॉइंट सेवन देखने को मिलेगा ओके ना अब ये टू का टू रह गया और वन अपॉन्ट सेवन का जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पुट कर देंगे बस अब सिंपल सा तरीका क्या है अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है टू का ओके फिर थ्री का फिर फोर का फिर फाइव का फिर सिक्स का वही आपके यहाँ पे आंसर आपके हो जाएंगे ओके तो चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये करके दिखा दे रहा हूँ बाकी सबके आपको आंसर दिखा दूंगा सिर्फ मल्टीप्लाई ही इसमें है और कुछ ज़्यादा है नहीं तो देखिए क्या करेंगे आप ज़ीरो पॉइंट वन फोर टू एट फ़ाइव सेवन को मल्टीप्लाई करना है टू से ओके okay, इसी तरीके से आपको वन बाई वन सबका मल्टीप्लाई आपको कर लेना है टू सेवन ज़ा फोर्टी होता है फ़ोटीन कैरी वन एंड टू फाइव ज़ा टेन और वन इलेवन का वन कैरी वन टू एट जै सिक्सटीन और वन सेवनटीन का सेवन कैरी वन टू टू ज़ा फोर और वन फाइव टू फोर ज़ा एट एंड टू 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 वन ज़ा टू पॉइंट का पॉइंट ये जीरो आपका यहाँ पे आ गया यानी कि जब आप इसको टू से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ज़ीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन फोर आपको आंसर देखने को यहाँ पे मिलेगा और इसके ऊपर आप अपने आंसर में यहाँ पे वार का साइन लगा दीजिएगा इसी तरीके से आपको वन बाई वन जिस जिसका वैल्यू पूछा गया टू अपॉन सेवन का हमने निकाल दिया आप इसी तरीके से सिमिलरली थ्री अपॉन सेवन का निकालिएगा उसको भी आप यही लिखिएगा थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन सेवन इजिकल टू थ्री मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू वन बाई सेवन का आपको दे रखा है ज़ीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन यहाँ रखिएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ज़ीरो पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन वन आपको आंसर मिलेगा ओके तो उम्मीद है आप ये सारी वैल्यूज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो आपको करना है ओके तो चलिए सबके मैं अब आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये देखिए मैंने सबके यहाँ पे ना आंसर यहाँ पे कर दिए हैं जैसे कि टू और थ्री का मैंने यहाँ आप पे आपको करके दिखा दिया था फोर अपॉइंट सेवन को आप लिखेंगे फोर मल्टीप्लाई वन अपॉइन्ट सेवन वन अपॉइन्ट सेवन का वैल्यू गिवन है फोर से मल्टीप्लाई करिए सिमिलर फाइव से करिएगा सिक्स से करिएगा जो भी आंसर आएगा आपका उसके ऊपर आप बार का साइन लगा दीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है आपको एक्सप्रेस the फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी upon क्यू वेयर पी एन क्यू आर integers and q क्यू नॉट to टू जीरो आपको तीन पार्ट दे रखे हैं थर्ड क्वेश्चन में पहला है जीरो पॉइंट सिक्स के ऊपर बार का साइन जीरो पॉइंट फोर ओनली सेवन के ऊपर ये बार का साइन है एंड जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन यान यहाँ पे तीनों डिजिटों के ऊपर अब इसको हमें चेंज करना है किस में फ्रैक्शन फॉर्म में पी अपॉइन क्यू में आपको ये आंसर देने हैं तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन है जीरो पॉइंट सिक्स के ऊपर आपका वार का साइन है ठीक है अब जरा मेरी बात को ध्यान से आप सुनना है यहाँ पर ओके क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो क्वेश्चन में आपको गिवन है अब जो गिवन पार्ट है उसको हम ले लेंगे एक्स गिवन पार्ट क्या है आपका जीरो पॉइंट सिक्स के ऊपर वार का साइन है ठीक है ये हमने ले लिया एक्स क्या ले लिया हमने ये एक्स अब थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे सुनाओ वी कैन राइट ज़ीरो पॉइंट सिक्स 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 एन सिक्स एन सन ये चलता रहेगा मैंने क्या बोला जिसके ऊपर वार का साइन होता है वो नंबर हमारा आगे तक चलता रहता है ठीक है अब इसको हम नेम देंगे इक्वेशन बन क्या नेम देंगे इक्वेशन बन ओके नाउ अब क्या करना है आपको सेकेंड स्टेप क्या है अब आप ये देखिए जो बार का साइन है कितने नंबरों के ऊपर लगा हुआ है यानी कितने डिजिट के ऊपर है सिंग ओनली सिंगल डिजिट के ऊपर है तो जितने डिजिट के ऊपर ये वार का साइन रहता है

अब इस साइड जब हम करेंगे तो डेसिमल हमारा एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स 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 और सिक्स और ये तो इन्फानेट तक है यहाँ पे काउंटिंग है ही नहीं सिक्स की ओके इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर टू उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला जितने नंबरों के ऊपर बार का साइन है उतने ही हम से मल्टीप्लाई करेंगे एक के ऊपर है तो टेन से करेंगे दो के ऊपर होता तो हंड्रेड से करते और थ्री के ऊपर होता तो हम थाउजेंड से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ठीक है तो इक्वेशन मन में टेन से मल्टीप्लाई कर लिया जैसे ही हमने टेन से मल्टीप्लाई किया ये हो गया टेन एक्स और जब हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है हमारा एक प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सिक्स के पीछे जाके ठीक है ना तो ये हो गया हमारा सिक्स पॉइंट सिक्स 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 अब यहाँ पे काउंटिंग मत करने बैठना यहाँ फाइव पे ये भी आपने फाइव लिख दिए ये इन्फाना तक है कितने भी हम लिख सकते हैं और आप एक काम जरूर करिएगा इक्वल पे ही लिखिएगा सिक्स या फाइव से पहले फाइव लिखे आप टू थ्री भी लिख सकते हैं ओके okay, यहाँ कोई काउंटिंग नहीं है मैंने फाइव लिखे हैं आप थ्री थ्री लिख दीजिएगा दोनों इक्वेशन में डेसिमल के पीछे अब आपको क्या करना है अब इक्वेशन टू में से वन को माइनस करना है इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन टू में से वन को आपको माइनस करना है जब आप माइनस करेंगे टेन में से एक्स माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका नाइन एक्स इजिकल टू अब डेसिमल आपको माइनस करने आते होंगे राइट डेसिमल माइनस करने आते होंगे तो सिक्स का तुम्हारा हमारा सिक्स ऐसे ही रहेगा सिक्स पॉइंट सिक्स में सिक्स गया जीरो ज़ीरो जीरो अब ये इक्वल रहेंगे यहाँ लास्ट वाले से हमें यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला जीरो लिखो मत लिखो हम डायरेक्टली हम नाइन एक्स इजिकल टू इसको हम सिक्स भी यहाँ लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू वो हमारा बनेगा सिक्स अपऑन नाइन जो आपका इक्वल हो जाएगा थ्री से कट के थ्री टू द सिक्स एंड थ्री थ्री ज़ नाइन ओके okay, तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा दो इक्वेशन बनी दोनों को माइनस कर लेना है लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के साथ माइनस होगा और राइट हैंड वाला पार्ट राइट हैंड के साथ माइनस होगा और उम्मीद है डेसिमल माइनस आपको करने आते होंगे तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया जीरो पॉइंट फोर सेवन के ऊपर बार मैंने बोला जो नंबर आपको दे रखा है उसे आप एक्स मान लीजिए तो हम लिखेंगे एक्स इज़ इजिकल टू जीरो पॉइंट फोर सेवन के ऊपर ओनली वार का साइनस ओनली सेवन पे ठीक है अब इसको ओपन करेंगे जैसे इक्वेशन क्वेश्चन नंबर वन में किया था तो हम इसको लिखेंगे एक्स इज ईकल टू ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन 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 एंड एन एफ इतना ही काफ़ी है ओके एंड सो ऑन है ना डेसिमल कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा ये क्योंकि बार का साइन लगा हुआ है सेवन के ऊपर तो इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर वन जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम इसमें करेंगे इक्वेशन वन बार का साइन सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है तो टेन से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन वन में तो ये हो गया टेन एक्स ओके अब ये हो जाएगा हमारा फोर पॉइंट सेवन सेवन ओके और सेवन डॉट 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 आप यहाँ पे लगा दीजिए कोई फर्क यहाँ पे पढ़ने वाला है नहीं तो एक और सेवन लिख लो ओके एन सो ऑन है अब इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर टू ये हमारा इक्वेशन टू हो गया राइट ना जैसे अब ये तो समझ में आएगा ना डेसिमल शिफ्ट हो जाता है मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट पीछे यहां पे चला जाएगा ओके okay? डिवाइड करते तो आगे जाता है और मल्टीप्लाई करें तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अब इक्वेशन टू में से वन को माइनस करिए इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन नंबर वन तो करते हैं टेन में से एक एक्स जाएगा तो नाइन एक्स आपका रह जाएगा यहां पे आप यहाँ माइनस कर लीजिएगा यहाँ ओके तो थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है फोर पॉइंट सेवन सेवन वैसे आपको माइनस करना है जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन मैंने बोला इक्वल प्लेस पे ही रहने दीजिए कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं जब आप माइनस करोगे यू विल गेट ज़ीरो ज़ीरो थ्री और ये फोर क्योंकि इन्फानाइट प्लेस तक जा रहा है ओके अब ये मत करना थ्री सेवन ऊपर आपने फ़ोर यहाँ लिख लिए आप थ्री हैं तो पीछे एक और जहाँ पे सेवन बना लीजिए लो कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं एक और जीरो आ जाएगा ठीक है तो हमारा कितना आ गया फोर पॉइंट थ्री जब आप इसको माइनस करोगे आपको यहाँ पे मिला कितना फोर पॉइंट थ्री आप यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिएगा फोर पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई नाइन डेसीमल को रिमूव करेंगे तो ये फोर्टी थ्री अपॉन आपका यहाँ पे नाइन्टी आंसर आपका आ जाएगा तो यही हमारा फाइनल आंसर है अगर ये सिंप्लीफाई होता सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अगर रिड्यूस होता तो रिड्यूस कर लेंगे ओके तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आपका हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट में आपको दे रखा जीरो पॉइंट जीरो जीरो के ऊपर बार का साइन मैंने बोला जो भी वैल्यू गिवन है उससे आप एक्स मान लो एक्स इज टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन और इसके ऊपर बार का साइन है ठीक है जैसे मैंने बोला अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज ज़ीरो ज़ीरो वन अब ये जितने डिजिटों के ऊपर बार का साइन है वही डिजिट तो रिपीट होंगी फिर से ज़ीरो जीरो वन एन जीरो जीरो वन एंड सो ऑन ये आगे तक चलता रहेगा राइट right? इसको फिर से बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन आप ऐसे ही आप अपने एन के जो एग्जाम्पल हैं आप उनको भी कर सकते हैं ठीक है ना अब हम क्या करेंगे इक्वेशन बन में मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो जरा अब डिजिट कितनी एक दो तीन तीन डिजिटों के ऊपर है यानी कि थाउजेंड से ये मल्टीप्लाई होने वाला है तो यहाँ लिखेंगे थाउजेंड एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन एंड डॉट 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 ये इन्फानेट तक आपका चलने वाला है ये हो गया इक्वेशन नंबर टू जितने जीरो थाउजेंड से करेंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आएगा ना ये आएगा ज़ीरो ओके अब ये जो डेसिमल है आपका थ्री डिजिट बाद जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा क्योंकि थाउजेंड से हम कर रहे हैं तो इसी लिए ये वन के पीछे जाके डेसिमल लग गया सेम वही जो फर्स्ट और सेकेंड में क्या था इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन टू में से वन को आप माइनस करेंगे तो थाउजेंड में से वन जाएगा तो कितना मिलेगा नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन एक्स ओके अब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा सिर्फ यहाँ बचेगा वन कितना आएगा वन ओके माइनस आप करके देख सकते वन पॉइंट जीरो जीरो वन ओके जीरो जीरो वन अब माइनस क्या करना इक्वेशन नंबर वन वहाँ दे रखा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ये चल रहा था एंड सो वन तो माइनस करेंगे हम तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया पीछे और ये बचा वन वन पॉइंट ज़ीरो जीरो जीरो यानी कि हम वन ओनली लिख सकते हैं तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू है वो आपका आएगा वन अपॉन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन इज अवर फाइनल आंसर एंड आई होप आपको ये सब कुछ जो तीनों पार्ट का जो कैलकुलेशन था वो आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा इसी तरीके से आपके जो एग्जाम्पल हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका डाउट है तो आप बता दीजिएगा उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर फोर फाइव और सिक्स जो है वो आपके एक्टिविटी बेस्ड है बट आपको हम यहाँ पर इनको सॉल्व करके दिखा देते हैं क्वेश्चन में बोला गया एक्सप्रेस जीरो पॉइंट नाइन 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई आंसर मेक सेंस ओके आपको सॉल्व करके दिखाना है ये नंबर क्या पी अपन क्यू में लिखा जा सकता है ओके okay, तो चलिए जो गिवन पार्ट है उसको हम एक्स लिख लेते हैं ठीक है ना एक्स इजिकल टू जीरो पॉइंट नाइन 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 एन नाइन नाइन ये एन सो ओन तक आपका चल रहा है जैसा अभी हमने थर्ड में किया था वही यहाँ पे करना है इसको इक्वेशन वन मानेंगे राइट अब जरा एक बात आप बता दीजिए क्या इसको ये नहीं लिखा जा सकता है एक्स इजिकल टू ज़ीरो पॉइंट नाइन के ऊपर बार का साइन बिकॉज नाइन ही तो हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हमने बार के साइन में इसलिए रिपीट किया कि ये पता लग जाए मल्टीप्लाई किससे करें तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोथ साइड टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टेन एक्स टेन एक्स इजिकल टू नाइन पॉइंट नाइन 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 एंड नाइन एंड सो ऑन आगे तक ये चलता रहेगा ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू अब आपको वही कैलकुलेशन करनी है जो हमने इक्वेशन थर्ड में की थी सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में की थी ओके okay, अब लिखेंगे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन नंबर वन जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो यू विल गेट नाइन एक्स नाइन एक्स इज टू नाइन आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ये पूरे पार्ट जीरो हो जाएंगे तो नाइन यहाँ रह जाएगा तो नाइन इज ईक्ल टू नाइन अपॉन नाइन डैट इज इक्वल टू वन तो ये हमारा हो गया वन के इक्वल तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा लेकिन आप ये सोच रहे होंगे वन अपॉन वन टू वन वन के इक्वल कैसे होगा क्योंकि वन को हम एज ए रेशनल नंबर लिख सकते हैं नन अपॉन वन तो ये हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया ओके अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर सजेशन आप देना चाहते हैं यू कैन सजेस्ट अस ओके तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला गया है आपसे प्यारे बच्चों व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ठीक है डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट इन द डेशिमल एक्सपेंशन ऑफ वन अपॉइंट सेवनटीन यानी कि वन अपॉइंट सेवनटीन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बताना है कितने नंबरों बाद ये रिपीट होगा ओके okay? जो नंबर रिपीट होगा अब इसका बहुत लंबा डिवाइड है मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ टाइम भी ज़्यादा हम करेंगे नहीं ओके okay? तो चलिए तो ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको करना है डिवाइड वन अपॉन सेवनटीन को सेवनटीन से वन को जब आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में बोला गया था कितने डिजिट डिस्टोप बाद ये नंबर फिर से रिपीट होगा आपने वन को डिवाइड किया था पॉइंट लगाए ज़ीरो लिया फिर से नहीं फिर जीरो लिया मैंने कंप्लीट कर दिया डिवाइड जब आप डिवाइड करते हुए आएंगे तो आपको जो वन मिलेगा वो मिलेगा यहाँ आके बंद से स्टार्ट किया था वन मिल रहा है यहाँ पे यानी कि फिर इसके बाद जीरो फिर से हंड्रेड फिर यही कैलकुलेशन वापस आपकी चलती जाएगी तो आपको ये बताना था कितने डिजिटों बाद ये वापस से रिपीट होगा वन हमारा यहाँ आया हुआ है तो आप काउंटिंग कर लेना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यानी कि आफ्टर सिक्सटीन डिजिट यही आपका आंसर हो जाएगा आफ्टर सिक्सटीन डिजिट ओके आफ्टर सिक्सटीन डिजिट इन द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ वन अपॉइंट सेवन द रिपीटिंग ब्लॉक ओके तो सिक्सटीन डिजिट बाद ये आपका जो है ब्लॉक से रिपीट होने लगेगा तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव तो चलिए बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सिक्स की ये करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को यहाँ बोला गया आपसे लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रीजनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉइन क्यू में आपको रीजनल नंबर्स के यहाँ आप पे आपको एग्जाम्पल देने पी और क्यू जहाँ पे आपका इंटीजर रहेगा विद द नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसीमल्स होना चाहिए यानी कि डेसिमल के बाद नंबर कुछ फाइनाइट नंबर होने चाहिए यानी कि वो div, जो हम डिवाइड करते चले जाते हैं वो इनफाइनाइट तक जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें लिखने ओके okay, और वो भी रीजनल नंबर के साथ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने देखिए पहला आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा सेवन बाई टू हो गया सेवन बाई टू हो गया क्यों हो गया क्योंकि जब हम सेवन बाई टू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा थ्री पॉइंट फाइव की इक्वल आएगा अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया एक आपका एग्जाम्पल थ्री पॉइंट फाइव का हो गया ओके अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल आप एक वन बाई टू भी यहाँ पे ले सकते हो वन बाई टू कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव होता है क्वेश्चन में बोला गया रेशनल नंबर हो और उन दोनों नंबर्स के बीच में जो पी और क्यू है उनके बीच में जो कॉमन है वो सिर्फ वन ही होना चाहिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर वन है इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर आपका वन है, है ओके तो ये वन पॉइंट वन पॉइंट टू का जीरो पॉइंट फाइव हो गया आप एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो ट्वेंटी किसी से कट नहीं होंगे यानी कि इनका जो भी कॉमन फैक्टर वो आपका वन है तो इसको हम लिख सकते हैं टू पॉइंट वन तो ये हमारे कुछ थ्री एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिए हैं जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल है साथ साथ आपकी ये रेशनल नंबर भी हैं रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम पी फॉर्म में लिख सकते हैं वही तो ओरिजनल होते हैं स्टार्टिंग में हमने बताया था बेसिक में p या पॉन में हम लिख सकते हैं वो हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं कंडीशन इसकी क्या होती है q नॉट इक्वल्स टू जीरो q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ये आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है q जीरो क्यों नहीं होता है आपको पता है q जीरो इसलिए नहीं होता है अपॉन में क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इन्फाइनट आंसर आता है क्योंकि नॉन डिफाइन होता है हमारा ठीक है नॉन डिफाइन जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको समझ आ गया होगा आप अपनी तरफ से ढेर सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हैं बट उनमें जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ आपका वन ही होना चाहिए तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे बोला गया अब हम सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन को सेवन में बोला गया राइट द द्री नंबर एक्सप्रेंस आर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो अब नॉन रिकरिंग होता क्या है पहले इसको हम समझेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको पता है वो नंबर जिनका डेसिमल कभी फिनिश ही नहीं होता ठीक है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग क्या होता है सीधे हम एग्जाम्पल से ही बात करेंगे जैसे हम लिखने जा रहे हैं जीरो पॉइंट ज़ीरो वन ओके एंड ज़ीरो डबल ज़ीरो वन एंड ट्रिपल ज़ीरो वन एंड सो ऑन ये इंफानाइट तक जा रहा है इन्फानाइट तक जा रहा है इसका मतलब क्या ये जो नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है इतना आपको समझ आ गया इन्फानाइट तक जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं एक जीरो बड़ा फिर दो जीरो बड़े फिर एक फिर ट्रिपल जीरो फिर एक यानी कि नंबर आगे तक चले जा रहे हैं इन्फानाइट तक नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये है साथ डिफरेंट नंबर्स आपके जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए डेसिमल के बाद ठीक है ना एक और एग्जांपल देखिए इसका हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि हम लिखना चाहें जीरो पॉइंट थ्री जीरो ठीक है और अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ट्वेंटी थ्री ट्रिपल जीरो ऐसे ही आप आगे बढ़ाते चलिएगा इसका मतलब कि ये नंबर ना सेम रिपीट नहीं हो रहा है वापस से ये नंबर ऐसा ही चलता चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग है बट डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नंबर इंक्रीज आपके होते हुए जा रहे हैं आप एक और एग्जांपल है लिख सकते हो तो देखिए जीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री थ्री पूछे 3 तीन तो लिख ही दे रहे हैं ना एक दो फिर ये दो जीरो बढ़ा दिए एक दो तीन जीरो बढ़ा दिए इसका मतलब क्या है इन्फानैट तक जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिकरिंग भी है नॉन रिकरिंग वो नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद इन्फानैट तक जाते हैं फाइनाइट टर्म्स नहीं होते बट डिफरेंट डिफरेंट नंबर जाते हैं सेम नंबर रिपीट नहीं होते सेम नंबर का मतलब मेरा कहने का क्या है ज़रा इसको भी आप समझ लो जैसे कि यहाँ पे होता है ज़ीरो पॉइंट सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री अब ये भी तो हमारा इन्फानेट तक जा रहा है ये नंबर भी तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है यस नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिकरिंग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए ज़ीरो पॉइंट सेवन 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 डॉट 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 इन्फानेट तक इन्फानेट तक जा रहा है ठीक है फाइनल स्टेप नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिकरिंग नहीं है क्यों क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है सेम नंबर रिपीट होता है तो नॉन रिकरिंग में नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन का आपको एग्जाम्पल तीनों ही आपको समझ आ गए होंगे साथ साथ जो डाउट क्लियर किया है वो भी आपको समझ आ गया होगा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं ये रिकरिंग हो गया ये नॉन रिकरिंग क्योंकि यहां पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर चल रहा है यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं ओके तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में बोला क्या प्यारे बच्चों Find थ्री डिफरेंट इेशनल numbers बिटवीन द रेशनल नंबर फाइव अपॉइन सेवन और नाइन अपॉन इलेवन तो चलिए क्वेश्चन नंबर एट को भी अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर एट इसमें आपको दो डिस्ट दो नंबर्स आपको दे रखे हैं दो नंबर्स क्या है एक आपका है फाइव अपॉइन सेवन एक नंबर आपका क्या है फाइव अपॉइंट सेवन है एंड सेकेंड नंबर जो वो आपका है प्यारे बच्चों नाइन अपॉन इलेवन अब ये दो नंबर रेशनल है इनके बीच में इ रेशनल नंबर आपको बताने हैं ठीक है चलो एक बात भी मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ ठीक है रेशनल इेशनल नंबर हम डेसिमल से कैसे बताते हैं फ्रैक्शन फॉर्म तो आपको पता है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा सकता वो इेशनल होते हैं अब डेसिमल से कैसे पता करेंगे तो देखिए अब ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों जैसे कहीं लिखा हुआ है ज़ीरो ओके okay, एंड जैसे ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव सिक्स आपने यहाँ पे नोटिस किया ये दो मैंने एग्ज़ाम्पल लिए हैं इसमें क्या फाइनाइट टर्म आ टमा है डेसीमल के बाद ऊपर वाले में दो टर्म आ रहे हैं इसमें तीन टर्म आ रहे हैं यानी कि आगे तक नहीं जा रहा है इन्फानाइट तक इन्फानेट तक जा रहा है नहीं जा रहा ठीक है एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ ज़रा इसको भी ध्यान से आप सुनिएगा जैसे मैंने लिखा ज़ीरो पॉइंट फाइव 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 एन डॉट 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 एक और लिख लीजिए ज़ीरो पॉइंट सिक्स 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 डॉट 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 सिक्स के प्लेस आपका दो डिजिट भी रिपीट हो सकती है चलो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ जीरो पॉइंट थर्टीन थर्टीन एन सो वन थर्टीन थर्टीन रिपीट होगा ठीक है अब ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं पाँच जो फाइव जो एग्ज़ाम्पल हैं ये जो आपके पाँचों जो एग्ज़ाम्पल हैं वो आपके रेशनल नंबर के किसके एग्जाम्पल है ये रेशनल के हैं किसके एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों रेशनल के ओके रेशनल नंबर्स क्या होते हैं डेसिमल के बाद फाइनाइट स्टेप हो जिससे हम पी एप क्यू फॉर्म में लिख दें ओके तो ये जो नंबर है हमारा रेशनल है क्योंकि इसके पीछे दो डिजिट आ रही हैं कंप्लीटली डिविजिबल है ये भी हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है थ्री डिजिट आ रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे सर ये तीनों जो नंबर हैं वो तो इन्फानैट तक जा रहे हैं इन्फानैट तक तो जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी आपके रीजनल नंबर्स होते हैं नॉन रिकरिंग नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि इनके बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो सेम नंबर ही तो रिपीट हो रहा है फाइव 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 सिक्स 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 थर्टीन 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 अब मैं इस फाइव फाइव को जरा आप बताइए क्या जो रिपीट हो रहा है इसे में जीरो पॉइंट फाइव के ऊपर बार नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं इसको जीरो पॉइंट सिक्स के ऊपर बार का साइन नहीं लिख सकता हूँ और जो ये है नंबर मेरा जीरो पॉइंट थर्टीन के ऊपर बार का साइन लिख दिया मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम कलेक्ट करके बार में लिख सकते हैं वो नंबर भी हमारे रेशनल होते हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जिनके पीछे सेम नंबर रिपीट होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं अगर यही नॉन रिकरिंग होता तो इरेशनल होता नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है डेसिमल के बाद नंबर तो जा रहे होंगे बट डिफरेंट दिफ्रें, डिफरेंट नंबर जा रहे होंगे जैसे रेशनल के लिए मैं एग्जाम्पल मैं आपको लिखने जा रहा हूँ देखिए जैसे होता है जीरो पॉइंट ज़ीरो वन ऊपर भी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो 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 वन एन सो ऑन मतलब ये नंबर इन्फानैट तक जा रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट नंबर के साथ जा रहा है तो ये जो एग्ज़ाम्पल होगा हमारा वो इेशनल के लिए यहाँ पे वर्क करेगा तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा नॉन रिकरिंग नंबर वो हमारे नंबर जो डेसिमल के बाद इन्फानैट तक तो जाते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट डिजिट के साथ जाते हैं जो सेम नहीं रहती हैं डिजिटें उनको हम इेशनल बोलते हैं एक और एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ज़ीरो पॉइंट सेवेंटी टू एट ज़ीरो सेवन टू फिर डबल ज़ीरो फिर सेवन टू ट्रिपल ज़ीरो इन्फानैट तक तो जा रहा है ओके बट सेम नंबर नहीं है तो ये हमारा इरेशनल हो गया एंड आई होप आपको रेशनल और इ का कॉन्सेप्ट बाई डेसिमल नंबर से आपको समझ आ गया होगा ऐसे ही इसी क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाया हुआ है ठीक है अब हम करेंगे फाइव अपॉइंट सेवन हमारा क्या है रेशनल नंबर है नाइन अपॉइंट इलेवन भी रेशनल नंबर है अब इनके बीच में हमें कौन से नंबर बताने इर पहले इनको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे बाई डिवाइड करके जब आप इसको डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों फाइव अपॉइंट सेवन को जब आप डिवाइड करोगे तो मैंने ऑलरेडी डिवाइड यहाँ पे कर रखे हैं आप डिवाइड कर लीजिएगा डिवाइड भी मैं आपको दिखा दूंगा फाइव पॉइंट सेवन को जब आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर जाके कट होगा जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव फिर इसके बाद रिपीट होगा तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वार का साइन लगा दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर वन में आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे हमको समझाया था ऐसे ही आपका नाइन अपॉन इलेवन है नाइन अपॉन इलेवन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो नंबर निकल के आएगा वो आपका इक्वल आएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एट वन एट वन के इक्वल जिसे हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट एट वन के ऊपर बार का साइन ओके तो ये जीरो पॉइंट एट वन एट वन एट वन ऑन इंफानेट तक आपका जा रहा है तो इसीलिए इसको कलेक्ट करके मैंने जीरो पॉइंट एट वन लिख दिया अब आपके ये जो दो नंबर निकले दोनों नंबर आपके रेशनल है ना अभी मैंने समझाया रेशनल क्यों है क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे वार का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया है इसके बाद सेम यही वैल्यू रिपीट होने लगेंगी फाइव के बाद सेवन वन फोर टू एट सेवन वन फोर टू एट ज़ीरो पॉइंट एट वन एट वन एट वन एट वन, वन यानी कि सेम नंबर रिपीट होता चलेगा तो ये रेशनल है अब इनके बीच में आप कोई भी आप यहाँ पे रेशनल इरेशनल नंबर निकाल दीजिए रेशनल पूछें तीन डिफरेंट डिफरेंट वाले कोई भी सेवनटी वन है और ये एट्टी है इनके बीच में कोई भी आप लिख दीजिए जैसे मैं यहाँ पे आपकी एन के एग्ज़ाम्पल है जैसे सेवनटी लिख दे रहा हूँ सेवनटी के बाद सेवनटी भी तो आएगा ना इनके मिडिल में लिखने जीरो लगा दो फिर से सेवनटी टू ट्रिप डबल जीरो लगा दो सेवनटी टू ट्रिपल जीरो लगा दो क्योंकि ये नंबर अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा वो भी हमारा एक रेशनल है क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर इन्फानेट तक जा रहा है ठीक है बट डिफरेंट डिफरेंट डिजिट के साथ जा रहा है ऐसे आपको एक दो और एग्जाम्पल लिख दीजिए आप सेवेंटी फाइव सेवेंटी फ़ाइव लिख दीजिए सेवेंटी फाइव जीरो सेवनटी फाइव डबल ज़ीरो एन टू वन अब आप यहाँ पे एट्टी लिख सकते हैं आपके एन बुक में जो आंसर दे रखा है 80, एट्टी फिर एट हंड्रेड फिर एट थाउजेंड इन्फानैट तक जा रहा है बट आपका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ जा रहा है तो ये आपका हो गया इरेशनल तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन तो क्वेश्चन नंबर नाइन आपका ये रहा क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर रेजनल और इरेशनल रेशनल आपको बताने अभी मैंने रेजनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वो आसानी से आप इनको कर सकते हैं तो ये जो नंबर है हमारा ये नंबर डायरेक्टली में दिख रहा है ये जो नंबर है वो हमारा इरेशनल नंबर है कौन सा नंबर है ये हमारा इरेशनल कंप्लीट आप इसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा इरेशनल है क्योंकि अंडर रूट ट्वेंटी थ्री यानी कि जब भी इसका रूट में आपका प्राइम नंबर होता है प्राइम नंबर इसका रूट में होता है वो हमारा इरेशनल होता है और ये जो हमारा नंबर है ये हमारा रेजनल नंबर है क्यों क्योंकि जो अंडर रूट टू ट्वेंटी फाइव होता है वो फिफ्टीन का आपका यहाँ पे स्क्वायर होता है ओके तो ये फिफ्टी को हम फिफ्टीन को हम फिफ्टीन अपॉन वन लिख सकते हैं जो कि हमारा एक रेजनल नंबर होता है ये हमारा हो गया रेशनल नंबर आप कंप्लीट इनकी स्पेलिंग्स लिख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स यानी कि डेसिमल के बाद फाइनाइट एट यहाँ पर प्लेस आ रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया ये भी जो हमारा नंबर है ये भी रेशनल नंबर है ये भी कौन सा नंबर है हमारा रेशनल नंबर है ओके रेशनल नंबर है आपका कंप्लीट स्पेलिंग लिख लीजिएगा ना अब यहाँ पे देखिए ये क्या है सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट यानी कि इस नंबर को लिखा जा सकता है सेवन पॉइंट फोर सेवन एट के ऊपर बार का साइन यानी कि डेसिमल के बाद सेम वैल्यूज ही रिपीट हो रही हैं जब सेम वैल्यूज रिपीट होती हैं वो आपका रेशनल नंबर होता है कौन सा नंबर होता है रेशनल नंबर आपका होता है राइट अगला देखिए 1001, 1001, 1001, यानी कि ये हमारा नंबर नंबर है ओके ये कौन सा हो गया हमारा इेशनल नंबर हो गया तो एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा ये थी हमारी एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़े हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने साथी भाई बहन मित्रों में ये वीडियो शेयर करिएगा जो भी क्लास नाइन्थ में है ओके तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए एक्सरसाइज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो